टेबलस्पून कैसे कार्व करते हैं चॉक से, आइए देखिए इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर कार्व करना शुरू कीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा चम्मच कार्व करेंगे। चम्मच के अगले हिस्से से कार्विंग करना शुरू कीजिए। मेरे हर वीडियो में आपने देखा होगा, कार्विंग के लिए मैं रेज़र ब्लेड का इस्तेमाल करता हूँ। आप जो भी पतली चीज़ जिसे आप कार्व करना पसंद करते हैं या तो आपको कंफर्टेबल होगा, यूज़ कर सकते हैं। अब ये बनेगा मेरा चम्मच का अगला हिस्सा। अब इसके बाद चम्मच की डंडी हम कार्व करेंगे। चम्मच की डंडी दो हिस्सों में बटेगी, एक है अगला हिस्सा जो उसका गर्दन का हिस्सा होगा और एक होगा पिछला हिस्सा जो काफ़ी मोटा और चौड़ा हो सकता है। डंडी का फाइनल शेप ख्याल में रखते हुए कार्विंग करना है। अब डंडी जितनी पतली कार्व करेंगे उतना ही चम्मच खूबसूरत दिखेगा। अब देख सकते हैं डंडी को मैं दो हिस्सों में कार्विंग कर रहा हूँ। एक अगला होगा जो बहुत ही पतला होगा। डंडी कार्व करना बहुत ही नाजुक होता है, यहाँ पे टूटने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कार्व करना चाहिए। तकरीबन डंडी का शेप आ चुका है। अब हम चम्मच को निचले चौक से अलग करेंगे। उसके पहले और थोड़ा डंडी को पतली करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना पतला करेंगे, फिर उसको चौक से अलग करेंगे। अब आप देख सकते हैं चम्मच तैयार हो रहा है। अभी भी रखने बाकी है और थोड़ा उसको स्मूथ फिनिश देते हैं जिससे कि और भी खूबसूरत दिखेगा चम्मच। और ये बन गया है पूरा चम्मच। Thank you.
प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।